एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। क्यों? तुम्हारे वो तीन दोस्त हैं ना? वो तो है, खास करके टॉमी। वो तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा लगता है। रिपीट रिपीट नताशा, प्लीज रिपीट। सुन लंगड़े सुन। उसे देखते ही मुझे गोलू की याद आती है। भगवान ने एक भाई छीन लिया तो दूसरा भेज दिया। पीट पीट अपना सर पीट। और संजू? संजू, संजू इज अ डार्लिंग टू मी। वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो तो मुझे अपनी बहन मानता है। मैं भी उसको अपने बड़े भाई से कम नहीं समझती। पीट पीट साथ में पीट, साथ में पीट। और वो तीसरा रॉकी? रॉकी जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। स्मार्ट, हैंडसम, फनी, चीयरफुल, लेकिन सब दिखावा है। अंदर से वो इतना झूठा, मक्कार, फ्रॉड और मर्डर निकलेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं। क्या संजू, क्या बात है? नताशा, रॉकी आर्किटेक्ट नहीं है। हाँ पता है, वो तो नेवी का कैप्टन है। नहीं, वो नेवी का कैप्टन भी नहीं है। He's a murderer. क्या? हाँ, वो भी छोटा मोटा नहीं, He's a serial killer, रामन राघव जैसा। क्या बात कर रहा है भाई? अपना मर्डर किया मुझे बताया तक नहीं। मुझे खुद अब पता चला है कि मैं मर्डरर हूँ। अपने प्यार के जाल में कई लड़कियों को फंसा कर उन्हें बर्बाद कर चुका है वो। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। रॉकी और खूनी? हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हें विश्वास नहीं होता? तुम्हें मैं ये सब बात तो पे विश्वास नहीं हो रहा? नहीं तो ये लो पढ़ लो, आज का न्यूज़पेपर है। इसमें दुबई पुलिस की खुफिया रिपोर्ट लिखी हुई है। ओह माय गॉड। भाई भाई नताशा, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं नहीं। नहीं संजू, तुमने मुझे हमेशा मुसीबत से बचाया है। थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना। उस रॉकी से दूर रहना नताशा, मेरी खातिर। नहीं भाई, भाई। इसकी तुम भाई बे साले लंगड़े नौटंकी। अबे ऐसा क्या देखता बे? हैं? प्लंबर है अपुन, संजू मलवारी नाम है अपुन का। यहाँ के सारे प्लंबर है ना,
उनका दादा अपुन। चुप प्लंबर की औलाद, याद रखना नताशा मेरी है समझे। ये नताशा तेरी कैसे हुई रे? सुन तू नताशा को क्या बोला था बे? कि भाई मर्डर है। किलर है भाई, मुझे बात करने दो ना यार। और कौन सा नकली न्यूज पेपर दिखाया था भाई? बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? ये क्या, तूने इस नौटंकी को इतना मारा कि ये ठीक हो गया और तू लंगड़ा हो गया? अरे और इसका हाथ कैसे ठीक हो गया? ये लूला था कब? इसके तो हाथ भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, ये तो साला आदमी कमीना है। इसका माने तू आर्किटेक्ट नहीं है और तू लंगड़ा नहीं है। छी छी, साला मेरी भोली नताशा को धोखा दिया तुम लोग। तेरी मां नताशा तेरी कैसे हो रही? मैं सचमुच लूला हो जाऊंगा, आपको मस्ती नहीं। अरे हम तीनों नंगे तो फिर आपस में क्यों पंगे? मुंबई में इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे बिना बताए चली गई? क्या बताती करण, हालात ही इतने बिगड़ गए थे कि सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी बदलना पड़ा। और मैं तुम्हें उसी नाम से ढूंढता रहा, लेकिन तुम मुझे अभी वही नाम से पुकार सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स तानिया। पता नहीं कितने पापड़ बेले मैंने नताशा को पटाने के लिए। क्या बात करता है, तूने बताया नहीं कि तेरा पापड़ का धंधा है? तू चुप ना रे, मैं तो यार लड़की के पास डिटेक्टिव बन के आया था। डिटेक्टिव? मैं तो डिफेक्टिव बन के आया था। डिफेक्टिव? आती थी सुपरमार्केट में सामान खरीदने को और साथ में उसका येड़ा भाई गोलू। एक दिन मुझे पता चला कि उसका भाई चल बसा है। मैंने सोचा ये येड़ो लोगों से तो बहुत प्यार करती है, घुस गया उसकी गाड़ी के नीचे, झूठ मूठ का एक्सीडेंट करवा, हाथ लूला, ओ ऐसा याददाश्त खोने की एक्टिंग करके घुस गया उसके घर में। मैं भी नताशा के बाजू के बंगले में नल फिट करने गया था, उधर से ही नताशा को देखा तो दिल का नट बोल्ट ढीला होकर वाइसर लीकेज करने लग गया, लेकिन तुम दोनों ने मेरा गेम ही बिगाड़ दिया। ए, हम दोनों ने नहीं, गेम तो वो साला तीसरा बिगाड़ेगा। अरे हाँ यार, पता नहीं वो अचानक कहां से टपक पड़ा। अरे वो टपका नहीं रे, वो लड़की का पुराना आशिक है। हाँ, कॉलेज का फ्रेंड है उसका। साले इस वक्त दोनों कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे? वो कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे वो तो तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन भाई? ये आदमी है। करण, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों बाद कोई अपना मिल गया हो। गोलू के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। क्यों, तुम्हारे वो तीन दोस्त हैं ना? वो तो हैं, खास करके टॉमी, वो तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा लगता है। रिपीट रिपीट नताशा प्लीज रिपीट, सुन लंगड़े सुन। उसे देखते ही मुझे गोलू की याद आती है, भगवान ने एक भाई छीन लिया तो दूसरा भेज दिया। पीट पीट अपना सर पीट। और संजू? संजू, संजू इज अ डार्लिंग टू मी। वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो तो मुझे अपनी बहन मानता है, मैं भी उसको अपने बड़े भाई से कम नहीं समझती। पीट पीट साथ में पीट, साथ में पीट। और वो तीसरा रॉकी? रॉकी जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। स्मार्ट, हैंडसम, फनी, चीयरफुल, लेकिन सब दिखावा है। अंदर से वो इतना झूठा, मक्कार, फ्रॉड और मर्डर निकलेगा। खैर, इन सब की छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम अभी भी गिटार बजाते हो? नहीं, उस बार तुम्हारे इंतजार में आखिरी बार बजाया था, फिर कभी नहीं। तो आज हमारे मिलने की खुशी में बजा लो। यहाँ? यहाँ नहीं, घर पे। मेरे पास गिटार है, तुम मेरे लिए गिटार बजाना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी। कॉफी विद करण? इससे पहले कि वो गिटार बजाए उसको जाके बजाते हैं, चलो। ओके।
तुझे बड़ी जल्दी रहनी है, तू चला जा। भाई, आप चले, आप चले। भाई, आइडिया क्या है कुछ तो बताइए। इस करण के बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा। ये करण को बच्चे भी है? ए तुम लोग चुप रहो ना यार। तुम लोग भी ना यार। अभी तो सिर्फ एक ही रास्ता है। मर्डर। ए भाई, तेरे को मालूम है ना कि यहाँ दुबई में एक मर्डर का फांसी है, है? ना ढीला है क्या तेरा? इधर का जो स्ट्रिक्ट है ना, बहुत कानून है, समझा? हाँ। अबे ये तू टेका मत दे रहे। अरे ये बिस्किट में एक गोली है और ये बिस्किट खाते ही कुत्ता शेर बन जाता है और करण उसका शिकार। Are we ready? नहीं नहीं, कॉलेज के बाद कभी। आंटी ये क्या कर रही हैं? घर की सफाई आधी हो गई, आधी बाकी है। ये एक एक मिनट हाँ करण, कुछ तो कर पाए। आंटी जयंतीलाल किधर है? वो बहुत हल्ला मचा रहा था, मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया है। ओह नो, करण। हाँ प्लीज जयंतीलाल को बाथरूम से निकालो ना। ओके। ओ, एक्सक्यूज मी, जयंतीलाल इनके पति हैं? नहीं, वो हमारा कुत्ता है, ही इज अ डॉग। पकड़ो। ये कौन सी नस्ल के पति हैं? आई मीन कुत्ता है? पोमेरियन है। Ooh, I'm so scared. तो आप ये जो इतना शोर मचा रहे थे। Hi, Jyoti. Hello. Hey!